नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश है। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। और दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई, आप लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया है। बहुत सारे नए लोग प्रतिदिन जुड़ रहे हैं, और जो लोग अभी भी वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, भैया दिमाग की बत्ती जलाओ और सब्सक्राइब का बटन दबाओ, ताकि हम और आप साथ मिलकर आगे चल सके, आगे बढ़ सके। दोस्तों, आज बात करूंगा, धीरे धीरे ऑलमोस्ट बात हुआ है, हर जगह लॉकडाउन खुल गया है, कुछ जगहों पे खुलने वाला है, किंतु दोस्तों हर एक आदमी जो है वो फंड क्राइसिस से जूझ रहा है। हमें भी अपनी फैक्ट्री चालू करनी है, बट कहीं जो है पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है कि कहाँ से मेंटेन करेंगे, कहाँ से सैलरी देंगे, कहाँ से भाड़ा देंगे, कैसे काम चालू करेंगे, क्योंकि किसी पर ज़्यादा दबाव भी नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि हर किसी का पोजीशन ख़राब है। किंतु दोस्तों, एक बात कहूँगा कि आप कितनी भी परेशानी में हो, कितनी भी दिक्कत में हो, एक दूसरे का साथ दे और आगे बढ़े। क्योंकि आपको एक बात बता दूँ, एक अमीर अमीर का मदद भले ही ना करे, लेकिन एक गरीब का मदद ज़रूर करता है, चाहे जितनी ही उसकी औकात हो। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको। अभी काम चालू होगा, हर किसी को कुछ ना कुछ पेमेंट देके सपोर्ट करके काम चालू करेगा। किंतु बॉम्बे का 5 सितारा होटल जो है आपका हयात रिजेंसी, वो बंद हो गया है। आप समझो, इंडिया में टोटल 32 होटल थे उसके, किंतु सैलरी देने के कगार पर नहीं है वो, जो उसका डेली का खर्चा है वो नहीं उठा पा रहा है, जिसके कारण 5 सितारा होटल बंद हो गया। 198 लोग बॉम्बे में सिर्फ उस होटल में काम कर रहे थे, सबको घर बिठा दिया गया है, क्योंकि मालिक के पास कोई फंड नहीं है। सरकार से गुहार लगा रहा है कि कुछ भी करके कहीं से मदद करे, ताकि होटल को चालू किया जा सके। तो जब इतने बड़े बड़े लोगों का ये हालत है, तो हम और आप तो बहुत छोटे लोग हैं, और पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हम लोग दिक्कत में हैं, हम लोग गरीब हैं। लेकिन हम लोगों का दिक्कत भी जो है, हम लोगों के तरह ही छोटा है थोड़ा सा, यही खुशी की बात है। तो एक दूसरे को यदि अपने सपोर्ट करेंगे तो गाड़ी चल पड़ेगी। तो मदद करें, आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।